लाइक फादर लाइक सन। ये कॉम्बिनेशन फादर जीनियस हो और बेटा भी जीनियस हो बहुत रेयर है। जो गिनी चुनी मिसालें हैं उनमें से एक मिसाल है उस्ताद अल्लाह रखा और उनके बेटे जाकिर हुसैन, या सचिन देव बर्मन और उनके बेटे हार्डी बर्मन, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जीनियस फादर को क्या जरूरत पड़ गई अपने ही बेटे की धुन को लेने की, और वो भी बगैर परमिशन के। बचपन में पंचम कलकत्ता में रहते थे, लेकिन संगीत के कीड़े के कारण पढ़ाई में मन नहीं लगता था, और इस बात की शिकायत पंचम के दादा दादी बेटे एसडी बर्मन से करते रहते थे। तो एक दिन पिता एसडी बर्मन ने सोचा कि पंचम को, बेटे को, बंबई बुला लेना ही ठीक है। बंबई बुलाया गया और यहीं पर संगीत की तालीम दिलवाना शुरू कर दिया। बेटे पंचम ने संगीत सीखते सीखते पिता के साथ काम करना भी शुरू कर दिया। पिता के काम में हाथ बटाते थे, अरेंजमेंट में हाथ बटाते थे, और 15-16 साल की कच्ची उम्र में ही कुछ कुछ कंपोज करना भी शुरू कर दिया। संगीत की तालीम लेते हुए माउथ ऑर्गन बजाने का शौक था, और वो तबला भी अच्छा बजाते थे। माउथ ऑर्गन पे कंपोज करना शुरू कर दिया, और जो ट्यून बनाते वो अपने पिता के साथ शेयर भी करते थे, बाबा ये बनाइए। सन 1956 में एसडी बर्मन की एक फिल्म आई फंटूश। उस फिल्म का एक गीत सुनकर बेटा राहुल देव बर्मन चौंक गया। एक गीत था, ए मेरी टोपी पलट गया, क्योंकि ये तो वही धुन थी जो बेटे पंचम ने कुछ समय पहले बनाई थी और अपने पिता को सुनाई थी। पंचम हैरानी में था और अजीब सा लग रहा था कि बाबा ने पूछे बिना इस धुन को कैसे यूज कर लिया। उसने अपने पिता से पूछा, आपने मुझसे बिना पूछे मेरी धुन इस्तेमाल कर ली। पिता एसडी बर्मन ठहाका मारकर हंसे और बोले, बेटा तेरी धुन किसी बाहर वाले ने थोड़े ही ली है, तेरे बाबा ने ही ली है, और तुम्हें खुद को भाग्यशाली समझना चाहिए कि तुम्हारी धुन को मैंने फिल्म में इस्तेमाल किया और ये लोगों तक पहुंच गई। बेटे पंचम को गर्व तो हुआ, लेकिन फिर भी पूछा, ठीक है तो क्या आप मानते हैं कि मैं अच्छा कंपोज कर लेता हूं? तब एसडी बर्मन ने अपने बेटे से कहा कि तुम अच्छे कंपोजर हो कि नहीं, यही टेस्ट करने के लिए मैंने तुम्हारी इस धुन को फिल्म में यूज किया है, ताकि देख सकूं कि तुम्हारी कलाकारी लोगों को पसंद आती है कि नहीं। ये धुन सबको पसंद आ गई है, तो मैं कह सकता हूं कि तुम आज नहीं तो कल, लेकिन बन जाओगे एक बहुत बड़े कंपोजर। और ऐसा ही हुआ। जीनियस फादर का जीनियस सन, जीनियस फादर एसडी बर्मन, जीनियस सन आरडी बर्मन। मन्ना डे मन्ना दा असिस्ट किया करते थे एसडी बर्मन को, लेकिन तमन्ना थी कि एक दिन उन्हें भी मिल जाए चांस दादा बर्मन के म्यूजिक डायरेक्शन में गीत गाने का। ये चांस मन्ना डे को कैसे मिला? सुनते रहिए रेडियो का नंबर वन शो सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।